उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जरामई के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाश पुलिस को देखकर अचानक भागने लगे तो पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस पर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए फायरिंग की, जिसमें आरोपी राजू यादव को पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और पुलिस ने भागते हुए घायल अभियुक्त के साथ साथ उसके दो साथियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना दन्नाहार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीती 21 जुलाई को बैगनार सवार ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को रात के समय अज्ञात लोगों के द्वारा घेर लिया गया और लूट के बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को पास में बनी नहर के पास फेंक दिया गया, जिसके बाद से पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित के द्वारा तीन टीमें लगाई गई थीं और आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी राजू यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दन्नाहार थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 तारीख की रात 10:30 बजे एक बैगनार गाड़ी लावारिस हालत में मिली और उसके पास में एक अमीर चंद नाम के व्यक्ति मृत अवस्था में मिले। इस संबंध में परिजनों के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की पृष्ठभूमि यह रही कि अमीर चंद बैंक से उस दिन 2 लाख रुपया निकाले थे, तब से वो गायब थे। तो स्पष्ट था कि ये रुपयों के चक्कर में ये घटना की गई थी। इस संबंध में जो सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि इस घटना में कुल 4 लोग रहे, एक तो राजू, दूसरा इसमें रतनवीर, विनय और सोनू, ये 4 लोग इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने इसको रुपयों के लालच में इसको ले जा करके और इसका रुपया लूट करके इसकी हत्या की गई। जब आज इनकी तलाश की जा रही थी, सूचना मिली कि इसमें से 3 अभियुक्त एक बाइक पे जा रहे हैं और एटा जाने की फिराक में हैं। पुलिस द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस के ऊपर इनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इसमें गोली चलाई गई, जिसमें एक बदमाश राजू यादव घायल में हुआ और उसकी गिरफ्तारी हुई। 2 अभियुक्त इसमें रतनवीर और विनय की भी, सोनू की भी इसमें गिरफ्तारी हुई। विनय अभी फरार चल रहा है। इसमें हमारे दन्नाहार के सब इंस्पेक्टर भी, उसके ऊपर भी फायर किया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहने के कारण वो बच गया। इसमें दन्नाहार SOG और कोतवाली की पुलिस द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई, जिसके कारण ये एक सनसनीखेज घटना का अनावरण हुआ और इसमें आज कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए। इनके कब्जे से 1,10,000 रुपया बरामद हुआ, 2 तमंचा बरामद हुआ और घटना के बाद जिस बाइक से भागे थे वो बाइक भी आज बरामद हुई। इनका कोई सर पहले आपराधिक इतिहास या इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के ऊपर इनाम घोषित था, 25,000 रुपये का इनाम भी इनके ऊपर घोषित था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।